पूरे देश में ईवीएम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से जिला कलेक्टर और एसपी निरीक्षण के लिए मतगणना स्थल पहुंचे, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पूरे देश में हाहाकार मचा रहा है, आपकी ओर से किस तरीके की सुरक्षा बरती जा रही है? देखिए, बाड़मेर में तो मैं गारंटी करता हूँ कि ऐसा कोई ईवीएम को लेकर किसी के मन में शक कोई नहीं है। आपको जैसे पहले भी हमने दिखाया, जो हर स्ट्रांग रूम है उसके बाहर हमारे सीसीटीवी कैमरे लग रखे हैं, और 30th से जब हमारे स्ट्रांग रूम क्लोज़ हुए थे सुबह 6 बजे, उसके बाद से अब तक 24 घंटे का हमारे पास फीड लाइव उपलब्ध है। और पॉलिटिकल पार्टी से हमारी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले डिस्कस भी हुआ, और हमने मतगणना की सारी व्यवस्था भी उनको समझाई थी, वो भी हमारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। सर, 23 तारीख को लेकर कैसी तैयारी है और कितनी टेबल्स लगेगी और क्या प्लानिंग है? तैयारियां पूरी हैं, ट्रेनिंग वगैरह हो गई। 145 टेबल्स पे हमारी विधानसभा वार पूरी लोकसभा सीट में मतगणना होगी, और पूर्ण रूप से समस्त तैयारियां हैं। सर, ईवीएम को लेकर कोई कंप्लेंट वगैरह मिली? ना, कोई भी नहीं अभी तक तो ईवीएम को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं। सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं, एसपी मैडम है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस तरीके के इंतजाम हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, हमारे यहाँ 3 चक्रीय सुरक्षा है, अपनी लोकल पुलिस है, आरएसी की टीम आई हुई है, आरएसी की कंपनीज और बीएसएफ तो है ही, और 3 आरएसी की कंपनीज और बाकी ज़िलों से भी जाप्ता आया हुआ है। वेरियस अलग अलग जगह पे हम नाके पॉइंट्स लगाएंगे, बैरिकेटिंग की हुई है ताकि भीड़ एकत्रित ना हो सके। मैम, सीसीटीवी को लेकर खास इंतजाम किए गए यहाँ पर, जो बीजेपी या कांग्रेस के कोई भी लोग आकर देख रहे हैं उसके लिए भी इंतजाम किए गए? देखिए, ये तो प्रशासन के द्वारा किया गया है, जो 24/7 जब से मतपेटियाँ यहाँ बंद हुई हैं तब से ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेस वाले कभी भी आके इसको चेक कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी से एक पारदर्शिता मेंटेन की गई है प्रशासन के द्वारा, और हर स्ट्रांग रूम के आगे हमारा जाप्ता भी मौजूद है और पूरी सुरक्षा है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। और एक और बात बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर में शांति है। दिनेश बोरा, बाड़मेर आज तक।